हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है जी एन डी द होम इंजीनियर। टाइटल देख के आपको समझ आ ही क्या होगा आज का वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर होने वाला है। सो बेसिकली अमेजोन से मैंने कुछ होम रिकॉर्ड के आइटम्स जो है वो बाय किए थे। विद इन 500 मैंने इनको बाय किया है, बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे। काफ़ी अच्छी चीज़ें मुझे रिसीव हुई हैं जो कि मैं आपके साथ भी शेयर करने वाली हूँ। और ये चीज़ें हैं ये लाइक होम रिकॉर्ड के पर्पज़ से बहुत ही यूजफुल हैं, जो कि आपके बहुत काम आने वाली हैं, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा अगर आपको ये यूज़फुल लग रही है। एंड सब्सक्राइब बटन के आगे आपको एक नोटिफिकेशन बेल दिख जाएगा, अगर आप उसको प्रेस कर देंगे तो नेक्स्ट कोई भी वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, वन बाई वन मैं आपको जो आइटम है आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये वन बाय वन मैं आपके साथ ओपन करके अभी दिखाऊंगी। एक्चुअली मैंने इनको ओपन नहीं किया है अभी तक, मैं आपके साथ ही इनको ओपन करके अभी दिखाने वाली हूँ। सो आई गेस ये मेरे ख्याल से डेकोरेटिव लाइट्स हैं, हाँ शायद डेकोरेटिव लाइट्स हैं मेरे ख्याल से ये। एंड ये मुझे बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे मिली हैं एंड आई गेस ये बैटरी ऑपरेटेड रहेंगी। सो लेट मी चेक कि ये किस टाइप की मुझे रिसीव हुई हैं, क्या इनकी क्वालिटी है। जो भी चीज़ें हैं वो आज मैं आपके साथ हर एक चीज़ जो है वो शेयर करने वाली हूँ, जो भी आइटम्स हैं वो मैं उनको ओपन करने वाली हूँ। सो ये है मेरा फर्स्ट डेकोरेटिव लाइट्स जो कि मैंने अमेजोन से ऑर्डर की हैं। हाँ, ये जो रिंग लाइट्स है ये ओके, जो फर्स्ट प्रोडक्ट है ये है अपनी डेकोरेटिव लाइट्स। हाँ, ये जो है वो बैटरी ऑपरेटेड है, यहाँ पे आपको बैटरी डालनी है। एंड इसमें छोटे 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 जो लाइट्स हैं वो लगी हुई हैं। एंड इसको मैं आपको ट्राई करके भी दिखा देती हूँ ये कैसी लगेंगी। और ये मुझे बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे मिली हैं, जो भी इनका प्राइस रहेगा मैं स्क्रीन पे डाल दूँगी। ओके, ये जो है वो कॉपर वायर के साथ हम लोगों को मिलती हैं। ओके हाँ, सो ये कुछ इस टाइप की वायर है, ये देखिए यहाँ तक ये जो पूरी है वो पूरी कॉपर कलर में हम लोगों को कॉपर जो वायर होती है वो मिल जाती है। एंड इसमें छोटी छोटी जो लाइट्स हैं वो उन्होंने लगाई हुई हैं, जो एलईडी छोटी छोटी एलईडीज इन्होंने लगाई हुई हैं। सो ये हो गया मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट जो कि मुझे आई गेस 250 और समथिंग का मिला है, जिसका भी जितने का भी मुझे मिला होगा मैं स्क्रीन पर डाल दूँगी। सो ये हो गया मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट। आफ्टर दैट सेकेंड जो प्रोडक्ट है वो ऐसे बॉक्स में हमको मिलता है, और चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। कुछ इस टाइप में ओपन होता है, ये देखिए कुछ इस टाइप का है। एंड ये जो है एक बैम्बो प्लांट है, मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देती हूँ, जो कि काफी अच्छी थर्मोकोल की पैकेजिंग के साथ आया है, एक बार मैं इसको निकाल दूँ। ओके, सो ये जो है वो एक बैम्बो प्लांट है, ये देखिए काफी अच्छी कंडीशन में लग रहा है ये मुझे। एंड ये कुछ मुझे आई गेस ये भी मुझे कुछ 300 समथिंग का ही मिला है, मैं स्क्रीन पे डाल दूंगी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। ये मेरा जो टेबल है सेंटर टेबल, उसके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि मेरा सेंटर टेबल बहुत बड़ा नहीं है, तो उसके लिए जो ये परफेक्ट हम लोगों को रिसीव होता है, ये देखिए काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, लाइक आपको कुछ ब्रेक नहीं मिलता है। और ये जो देखिए इसकी जो लीव्स वगैरह आ रही हैं वो भी अच्छी क्वालिटी की है, लाइक कहीं से ये डैमेज प्रोडक्ट नहीं है। तो इसको अभी मैं लाइक इसमें पानी डाल के रखूँगी, तो बहुत अच्छी पैकेजिंग में आया है ये देखिए। इसमें आपको लाइक ये इसमें लाइक आपको वाटर्स और ये इनको छोटे छोटे बॉल्स जैसी होती है, कलरफुल बॉल्स होती हैं ये वो है। एंड इसमें आपको एक जार मिलता है छोटा सा, और ये जो जार है वो प्लास्टिक जैसा लग रहा है, जो ग्लास होता है हैवी ग्लास वैसा नहीं है ये। तो ये कुछ इस टाइप का हम लोग को रिसीव होता है। इसमें आपको इस टाइप की कलरफुल जो पानी में डालने वाली बॉल्स होती है, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है इनको क्या बोलते हैं वो है। एंड देखिए इसमें जो इसकी जड़ें हैं वो भी दिख रही हैं आपको, इसमें जो बॉल्स है इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है, जिसकी वजह से ये अच्छी कंडीशन में हम लोगों को रिसीव हुआ है। एंड साथ में एक छोटा सा जार हम लोगों को रिसीव होता है। तो ये हो गया मेरा सेकंड प्रोडक्ट। ओके, जो थर्ड प्रोडक्ट है उसको भी हम लोग ओपन करके देख लेते हैं अभी।
ओके सो ये कुछ एक बहुत प्यारा सा ओके सो ये कुछ इस टाइप का एक छोटा सा डेकोरेटिव पीस है जो कि मुझे बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे मिला है. इसका जो प्राइस था वो ये बहुत ही रीजनेबल था, ये मुझे 130 और समथिंग का मिला है. सो ये कुछ इस टाइप का है, ये देखिए ये कुछ इस टाइप का है. एंड हम इसको ओपन करके देख लेते हैं ये कैसा है, कैसे ये ओपन होता है. ओके ओके सो ये जो है वो कुछ इस टाइप से ओपन हो जाता है. देखिए कहीं से भी ये ब्रेक नहीं है, ये वाला जो इसका पार्ट अब अगर आपको दिख रहा है ये ब्रेक नहीं है, ये यहाँ पे ऐसे लग जाता है. ये देखिए इस टाइप से ये लग जाता है. एंड फिनिशिंग की अगर बात करूँ तो थोड़ी थोड़ी यहाँ से गई हुई है, बट 130 की रेंज में लाइक ये बहुत अच्छी डील हम लोगों को मिल रही है. क्योंकि इसमें अगर थोड़ा थोड़ा फिनिशिंग का भी प्रॉब्लम यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो चीज़ है वो कंटिन्यूसली हम इसको ये जो है वो मूव हो जाती है, तो उसकी वजह से ये जो कलर है वो थोड़ा थोड़ा लाइक डल हो गया है. एंड सेम फॉर यहाँ पे भी लाइक जैसे ये चीज़ इधर से इधर को हो रही है उसकी वजह से ये इस पे दाग पड़े हुए हैं. बाकी ओवरऑल जो वुडन क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है. अगर आप देख पा रहे हैं देखिए ये जो वुडन की क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, जो कि मुझे ये बहुत ही अच्छी डील लगी. ये भी मुझे कुछ 130 समथिंग का मिला है. एंड ये देखिए बहुत प्यारा है ये देखिए ऐसे इसको आप लाइक दीवार पे लगा के यहाँ पे कुछ भी शोपीस वगैरह रख सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी डील है. 130 की रेंज में आपको मिल रहा है. एंड अगर आप इस पे देखते हैं स्क्रीन पे ये थोड़ा सा बड़ा लगता है, बट इतना बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है. बट 130 की रेंज में ये काफ़ी अच्छी डील हम लोगों को मिल रही है. यू डेफिनेटली गो फॉर दिस, क्योंकि 130 में आप लोगों को लाइक छोटा सा आजकल अगर आप मार्केट जाते हो तो फ्लावर तक नहीं मिलता है. ये काफ़ी अच्छी डील आप लोगों को मिल रही है और ये मुझे कहीं से भी ब्रेक नहीं मिला है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मुझे ये रिसीव हुआ है. सो ये हो गया मेरा थर्ड प्रोडक्ट. आफ्टर दैट मैंने कुछ लाइक साड़ी कवर बोल सकते हो, या मुझे साड़ी नहीं, मुझे लाइक कुछ कपड़े वगैरह ऑर्गेनाइज करने के लिए मुझे ये चाहिए था, तो मैंने ऑर्डर किया था. इस टाइप का है, आप क्लोथिंग ऑर्गेनाइजर या कुछ भी इसको बोल सकते हो, साड़ी आप इसमें रख सकते हो. बहुत अच्छा, एक्चुअली मैंने इसको पहले भी मंगवाया था, अभी मैंने फिर से इनको मंगवाया है. ये देखिए कुछ इस टाइप के हैं ये है सिक्स का सेट है आई गेस. 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 हाँ 6 का ये सेट है. एंड अपने जैसे कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो रोज़ रोज़ यूज़ नहीं होते हैं, डेली वेयर कपड़े जो लाइक हमारे ओकेजनली यूज़ होते हैं, उन कपड़ों को रखने के लिए समटाइम अलमीरा में उनको ऐसे रख के लाइक जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे एक्चुअली डस्ट का बहुत प्रॉब्लम है. आप जितना ज़्यादा सफाई करो डस्ट रोज़ का रोज़ वहाँ पे ज़्यादा लाइक गैदर होता रहता है, तो वहाँ के लिए परफेक्ट चीज़ है. क्योंकि अगर आपने अपने कपड़े अलमीरा में भी रखे हैं उसको थोड़ा सा भी ओपन कर रहे हैं तो डस्ट रोज़ अगर थोड़ा थोड़ा डस्ट भी गया तो भी बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है. तो आप इसमें अपने कपड़े को अच्छे से लाइक पैक करके रख सकते हो जो कि आप ओकेजनली पहन रहे हो. और लाइक अगर आप किधर अपनी अलमीरा दूसरी अलमीरा में कुछ लोग अपने कपड़े जो है वो लाइक बेड साइड बेड जो बेड में साइड जो पोर्शन होता है वहाँ पर डालते हैं, बहुत सारी जगह पर डालते हैं, तो वहाँ पर आप कपड़े इनमें डाल के बहुत सेफली रख सकते हैं. ये मुझे बहुत यूज़फुल लगता है. मैंने पहले भी बहुत से अपने कपड़े जो है इस टाइप की ऑर्गेनाइजर में ऑर्गेनाइज किए हैं, तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छी डील है. और ये जो इसका फैब्रिक है ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है. लाइक जो ये ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है बीच में, तो आपको यहाँ पे इलास्टिक दिख रहा होगा, ये इलास्टिक जो प्लास्टिक जैसा है ये बीच में. एंड यहाँ पे ये जो फैब्रिक है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है. एंड इसके जिप्पर भी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि मैं इनको पहले से यूज़ कर रही हूँ तो मुझे इनका आइडिया है. ये देखिए इसके जिप्पर जो है आपको डबल जिप मिल जाता है यहाँ पे, ये देखिए डबल जिप है. एंड इसको आप ऐसे ओपन कर सकते हैं. एंड इसकी जो कैपेसिटी होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है. लाइक इतना देखिए आप, एक बहुत बड़ा है ये. इसमें आप लाइक साड़ी अगर आप डाल रहे हैं तो इसमें साड़ी जो है वो 5 से 6 साड़ी आराम से आ जाएगा. और एज ए नॉर्थ इंडियन हम लोगों के पास साड़ियाँ बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, तो जो भी होता है जो भी सामान है आप इसमें अच्छे से रख सकते हो. तो ये हो गया 6 ऑफ सेट जो कि मुझे बहुत पसंद आया है, क्योंकि मैं इसको पहले से भी यूज़ करी इसलिए मैंने इसको फिर से ऑर्डर किया था. आफ्टर दैट मैंने एक और लाइक टेबल बोल सकते हो, साइड टेबल, छोटा सा डेकोरेटिव पीस है ये. ये देखिए पहले से ही इधर से निकला हुआ है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोगों को कैसा रिसीव हुआ है. बहुत ही अच्छी कॉस्ट में मुझे मिल रहा था, तो मैंने कहा व्हाई नॉट इसको ट्राई किया जाए. ये देखिए
ये देखिए, ये टेबल है, इसको आप लाइक छोटा मोटा उसमें यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ओके, सो ये कुछ इस टाइप का टेबल है। ये देखिए, ये कुछ इस टाइप का अगर आप देख पा रहे हैं तो टेबल है। सो ये एक छोटा सा लाइक साइड टेबल की तरह आप इसको यूज कर सकते हो। बहुत ही प्यारा छोटा सा टेबल है और इसका प्राइस अगर आप सुनोगे लाइक ये मुझे 350 समथिंग का मिला है, बट 350 में अगर आपको ऐसा टेबल मिल रहा है तो आपको डेफिनेटली ये टेबल के लिए जाना चाहिए। लाइक 350 में आप क्वालिटी बहुत हाई एक्सपेक्ट नहीं करोगे, ऑब्वियसली वुडन है और लाइक 350 में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको बहुत अच्छी क्वालिटी मिलेगी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 350 की रेंज में ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है। बट 350 की रेंज में थोड़ा सा मुझे यहाँ पे लाइक अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा मुझे इसका वो लगा, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा ये डैमेज हो गया है, क्योंकि बिल्कुल ही प्लास्टिक में ये रैप होके आया था, तो इसकी वजह से हो सकता है थोड़ा सा यहाँ से डैमेज हो गया। ये वाला इसका थोड़ा सा डैमेज है जो पार्ट है इसका, बाकी ओवरऑल जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। 350 की रेंज में आपको ये टेबल मिल रहा है इसमें, बट इस पर आप बहुत ज़्यादा वेट नहीं डाल सकते। अगर जैसे आप कहीं बालकनी में बैठे हो बाहर, दो कप चाय का रखना है तो ये यूज़ हो सकता है, बट इसमें आई गेस 2 किलो से ज़्यादा वेट या 1.5 किलो से ज़्यादा वेट आप इस पर नहीं डाल सकते, क्योंकि उससे ज़्यादा ये वेयर नहीं कर पाएगा। सो ये हो गया हमारा टेबल जो कि मैंने लिया है 350 रुपीज़ में। प्रोडक्ट है वो मैंने कुशन कवर ऑर्डर किए थे, जो कि ये मैंने ओपन करके देख लिए, अगर आप देख पा रहे हो तो ये मैंने 16x16 के ऑर्डर किए थे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि 16x16 नहीं है ये, थोड़े बड़े मुझे लग रहे हैं। देखिए 16x16 का मुझे नहीं लग रहा है, ये मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। एंड जो मिरर वर्क होता है उसमें ये मिरर वर्क जो है उसका वो किया गया है, वाइटिश क्रीमिश कलर का ये जो है वो कुशन कवर है। एंड ये देखिए इस पर जो मिरर का काम है वो किया गया है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आपको रिसीव होते हैं। लाइक प्योर वाइट कलर नहीं है, थोड़ा सा क्रीमिश कलर है, अगर आप देख पा रहे हैं देखिए प्योर वाइट नहीं है, थोड़ा सा क्रीमिश है, बट जब स्क्रीन पर अगर आप देख रहे थे तो स्क्रीन पर जो कलर था वो बहुत ज़्यादा लाइक वाइट लग रहा था, बट अभी जब मेरे को ये रिसीव हुए तो वाइट नहीं है। एंड ये मुझे 16x16 से थोड़े से बड़े लग रहे हैं, क्योंकि मैंने जो पहले ऑर्डर किए थे वो 16x16 के ही थे, बट वो थोड़े छोटे थे, एंड ये मुझे थोड़े से लाइक माइनर से बड़े लग रहे हैं, कि 16x16 के लिए थोड़े से बड़े होंगे, बट अच्छा है ना, लाइक जब हम कुशन इसमें फिलर जो है वो फिल करेंगे तो थोड़ा अच्छा खुल के लाइक बड़ा वाला जो कुशन है वो लगेगा। सो ये हो गया मेरे कुशन कवर। तो ये था मेरा जो मैंने सामान ऑर्डर किया था, और जो भी मैंने सामान ऑर्डर किया था काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मुझे रिसीव हुआ है। Stay tuned for that videos and till then bye, take care. So अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, आपको और भी अच्छी अच्छी यूजफुल वीडियोज आगे चैनल पे मिलने वाली हैं। सो अभी मैं अपने चैनल पे कुकिंग से रिलेटेड वीडियोज भी डालने वाली हूँ।